हेमंत करकरे जिंदाबाद 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 हेमंत करकरे अमर रहे अमर रहे अमर रहे साधु प्रज्ञा होश में आओ होश में आओ होश में आओ। मैं हूं सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई के 26/11 के आतंकी हमले में शहीद हुए हेमंत करकरे पर साध्वी प्रज्ञा ने अभद्र टिप्पणी की, जिसके बाद चारों तरफ इसकी आलोचना होने लगी। भाजपा ने भोपाल लोकसभा सीट से साध्वी प्रज्ञा को मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को बम धमाके में साध्वी प्रज्ञा को आरोपी बनाया गया था, मगर जिस तरह से एक शहीद के बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, इससे पूरे हिंदुस्तान में साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ लोगों में काफी गुस्सा है। लोग प्रज्ञा के खिलाफ अब सड़कों पर नारेबाजी कर रहे हैं। साध्वी के बाबरी मस्जिद के बयान पर भी लोगों ने प्रज्ञा के उम्र को लेकर सवाल उठाने लगे हैं। जिस वक्त बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, उस वक्त साध्वी प्रज्ञा की उम्र 2 से 4 वर्ष बताई जा रही है, मगर आज साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ मुंब्रा में सुल्तान वेलफेयर इत्तेहाद ट्रस्ट, गरीब नवाज ट्रस्ट, जनजागृति शिवाजी मित्र मंडल और अशरफ शानू पठान, सैयद अली भाई साहब, हफीजा नायक, मोरेश्वर कीने, राजन कीने, रेहान पीतलवाला, शाकिब, ऐसे तमाम लोगों ने साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ आज सड़कों पर उतरकर जम के नारेबाजी की। जो प्रज्ञा ने जिस तरीके का स्टेटमेंट, गंदा स्टेटमेंट दिया है, उसके खिलाफ ये होता है। हेमंत करकरे शहीद थे, इसमें कोई वो नहीं है, कोई शक नहीं है। देश के अंदर कोई आदमी इस तरीके की बात नहीं कर रहा है, लेकिन पोलराइजेशन के हिसाब से प्रज्ञा को जब भोपाल में टिकट दिया गया, उसके बाद प्रज्ञा ने ये बयान दिया। इस बयान के साथ में उसने ये भी बयान दिया कि बाबरी मस्जिद के ऊपर मैंने चढ़ के वो ढांचा तोड़ा था, जबकि उसकी उम्र उस वक्त 2 साल की थी या 5 साल की थी, तो वो कहाँ से चढ़ गई। ये बीजेपी के लोग झूठे हैं। अमित शाह का आज बयान अगर आप देखेंगे सवेरे, तो अमित शाह ने कहा कि पॉलिटिकल फंसाया गया है। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि प्रज्ञा का महाराष्ट्र का लिंक तो एक अलग है। जब प्रज्ञा का जोशी नाम के जो क्या नाम है आरएसएस का कार्यकर्ता था, उसकी हत्या उसने हत्या करवाई, उसके साथ परमार वगैरह वगैरह करके 8 आरोपी थे जो गुजरात से वांटेड थे। जब मध्य प्रदेश में उसकी हत्या हुई, उसके बाद उनकी सरकार शिवराज सरकार ने प्रज्ञा को पकड़ा, उसको जेल में डाला, तो ये सवाल कहाँ से आ गया कि हेमंत करकरे का, आप चार्जशीटेड थे। उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट ने वो केस को दबा दिया, लेकिन जब महाराष्ट्र एटीएस ने मालेगांव बम ब्लास्ट के अंदर जब उसको पकड़ा गया मोटरसाइकिल के केस में, तो मध्य प्रदेश सरकार डर गई और सरकार ने वो केस को क्लोज कर दिया गया था, क्योंकि वहाँ आरएसएस की सरकार थी, आरएसएस की बदनामी हो रही थी, विश्व हिंदू परिषद की बदनामी हो रही थी, तो वापस ये केस को उन्होंने चालू किया कि महाराष्ट्र अगर खोल देगा तो ये बड़ा बदनामी हो जाएगी। इसके लिए उन्होंने एक घृणित कार्य किया और आज उसके समर्थन की बात कर रहे हैं। उनको चाहिए बीजेपी के लोगों को, फर्जी राष्ट्रवाद बंद करो, और पूरे देश से अमित शाह, मोदी, लाल किश अडवाणी, इन लोगों को पूरा माफ, क्योंकि लाल किश अडवाणी ने भी फूल बरसाने की बात की थी, इनको माफी देश से मांगना चाहिए और इस देश में फर्जी राष्ट्रवाद होना बंद होना चाहिए। देखिए, आज प्रज्ञा ने जो स्टेटमेंट दिया कि मेरे श्राप से हेमंत करकरे जी की मृत्यु हुई और उनके तो हम उनकी निंदा करने के लिए यहाँ पे सब जमा हुए, और ईमानदार अफसर जिसने अपनी पुलिस की ईमानदारी के साथ 30 साल की सर्विस दी, ऐसे ईमानदार अफसरों पे जब ऐसी पक्ष के लोग उंगलियाँ उठाने लगेंगे तो सबसे बड़ी हम लोग उसकी निंदा करते हैं। हिंदुस्तान के अंदर जब तक ऐसे ईमानदार अफसर है, जब तक के कोई भी पक्ष का आदमी रहे, देश के ऊपर उंगली उठा के देखने वालों को वो पकड़ते रहेंगे। ऐसे परिवार को और ऐसे हेमंत करकरे जी को हम सलाम करते, इसलिए उनके सराहने के लिए हम यहाँ जमा हुए और उस साध्वी का विरोध किया, और साथ ही में ये मैसेज दिया कि देश में एक तरफ बीजेपी बोलती है कि हम देश हित के लिए हमें वोट दीजिए, राष्ट्र हित के लिए वोट मांगती है, दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के जो कैंडिडेट है वो बोलते कि मेरे श्राप से उनकी डेथ हुई, हम उसकी निंदा करने के जमा हुए, हम उसकी निंदा करें। मैं समझता हूँ कि पहले तो मैं प्रज्ञा का ये करता हूँ, निषेध करता हूँ, क्योंकि उसने हमारे शहीद हेमंत करकरे के बारे में एक ऐसा स्टेटमेंट दिया
कि मेरे श्राप से और मर गए, लेकिन हमारे मराठी में एक ऐसे मन है कि कावळ्याच्या श्रापाने ढोर मरत नसतो। तो ऐसा है कि ये इन लोग के बोलने से ऐसा कोई होता नहीं है। हमारे हेमंत करकरे साहब शहीद हुए, आज वो देश के प्रति, देश की जनता के प्रति अच्छी भावना रखते हुए उनका देहांत हुआ, या लड़ाई में लड़ते लड़ते उनका ये हुआ है, शहीद हुए। तो ये प्रज्ञा सिंह, आप जो बोले कि इनके ये देश में जो इनके प्रति कुछ फर्क पड़ेगा, तो ये ऐसे लोग अगर राज में आएंगे तो देश में अहिंसा और ये घातक, देश के लिए बहुत बड़ा घातक है। ऐसे लोग आएंगे देश में तो राज्य करने के लिए। शहीद का अपमान होगा तो जाहिर सी बात है विरोध भी होगा। शहीद हेमंत करकरे को 2 मिनट का मौन धारण करके उन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई। मगर हमारे देश की ये सबसे बड़ी विडंबना है कि देश के लिए कुर्बान होने वालों पर भी राजनीति होती है, और कुछ लोग इतना गिर जाते हैं कि देश के लिए शहीद हुए लोगों पर भी टिप्पणी करते हैं। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।